शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना संक्रमण के चलते दिग्रस तहसील में शुरू हुई 7 दिवसीय संचार बंदी के पहले दिन चौक चौराहों और बाजार और मोहल्ले में अद्भुत सन्नाटा पसरा था। इस दौरान स्थानीय प्रशासन सहित पुलिस विभाग की कड़ी निगरानी देखते ही बंद रही थी। बुधवार दोपहर तक जहां दिग्रस तहसील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 49, वही शाम ढलते ढलते 52 पर जा पहुंचा। मालूम हो कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते दिग्रस में 22 जुलाई से संचार बंदी शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को रोकने के उद्देश्य से बीते 13 जुलाई को जिले के पालक मंत्री संजय राठौर की अगुवाई में यवतमाल के नियोजन सभागृह में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित जिलाधिकारी एमडी सिन्हा और अन्य आला अधिकारियों की उपस्थिति में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। इसके बाद जिले भर में सतर्कता बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश दिए गए थे। बहरहाल दिग्रस तहसील में बढ़ते कोरोना प्रादुर्भाव को रोकने के उद्देश्य से तहसील में 22 से 28 जुलाई तक संचार बंदी को अमल में लाया जा रहा है। इस संदर्भ में आज 22 जुलाई को संचार बंदी के पहले दिन जगह जगह पर पुलिस का कड़ा पहरा नजर आया। चौक चौराहे, बाजारों और गली मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का लोग किसी जरूरी काम से बाहर निकले भी, पर उन्हें पुलिस की पूछताछ और जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा। शहर के शिवाजी चौक, मानोरा चौक, जूना बस स्टैंड रोड, पुराना पेट्रोल पंप, कच्ची चौक, आरनीना का आदि इलाकों में पुलिस विभाग के कर्मचारी और होमगार्ड्स तैनात नजर आए। इस बीच तहसीलदार राजेश वजीरे, थानेदार सोना जियामले ने विभिन्न इलाकों और चौक चौराहों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। मालूम हो कि बीते मंगलवार को शहर में कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीजों का इजाफा हुआ था। ऐसे में बुधवार की शाम को खबर लिखने तक शहर में 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से कोरोना मरीजों की संख्या 49 से 52 पर जा पहुंची है। वहीं जिले भर में बुधवार को कुल 70 नए मामले दर्ज किए जाने की खबर भी है। आपको बता दें कि मंगलवार को जिलाधिकारी ने अपने दल के साथ काजीपुरा, विट्ठल नगर, बाराबाई मोहल्ला आदि कोरोना संक्रमण की चपेट में आए विभिन्न इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। सूत्रों से पता चला है कि इस दौरान जिलाधिकारी एमडी सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग सहित कोविड केयर में कार्यरत कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाते हुए सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। बहरहाल एक तरफ प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ शहर की निगरानी में जुटा है, वही लोग भी बड़े पैमाने पर संचार बंदी को सहयोग देते नजर आ रहे हैं। जनता और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल का यह मंजर संचार बंदी के बाद आगे भी बरकरार रहा तो यकीनन कोरोना को मात देना संभव हो पाएगा। इनबीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।